तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विप्रो ऑफर लेटर के बारे में। आप विप्रो ले लो, TCS ले लो, IBM ले लो, टेक महिंद्रा या कोई भी एक बिग MNC कंपनी ले लो, ऑफर लेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी आपके पास अगर ऑफर लेटर होगा तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। तो दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ऑफर लेटर होते हैं वो ऑलमोस्ट कॉपी ऑफर लेटर होते हैं। कॉपी इन द सेंस कि जैसा आपको विप्रो ने दिया, TCS ने दिया, IBM ने दिया, टेक महिंद्रा ने दिया, ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ऑफर लेटर हर एक कंपनी में मिल जाएगा। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या होने वाला है, जो मेन पॉइंट होता है कि हर एक कंपनी में अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज इन द सेंस कि कोई बोलता है कि नहीं मेरे यहाँ आप 10 दिन काम करोगे, 10 दिन बिना बता छुट्टी पे चले गए तो आपको टर्मिनेट कर देंगे। कोई कंपनी बोलती कि 15 दिन बिना बता छुट्टी पे चले गए तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। किसी कंपनी में नोटिस पीरियड 2 मंथ्स का है, किसी कंपनी में नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का है, किसी कंपनी में नोटिस पीरियड 1 मंथ का है। एंड यहाँ पे वेरियस फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं कि आप थर्ड पार्टी पे हो या कंपनी के ऑन रोल पे हो। थर्ड पार्टी पे नॉर्मली अब तो ऑलमोस्ट सब जगह होगा कि 3 मंथ्स का आपको नोटिस पीरियड मिलेगा। बट पहले क्या होता था कि 3 मंथ्स में नोटिस पीरियड आपका कम होता था। आप जब थर्ड पार्टी पे होते तो आपका नोटिस पीरियड कम होता था 3 मंथ से। आप अगर थर्ड पार्टी पे, हो सकता है 1 मंथ का होता था, मैक्स 45 डेज का होता था। बट ऑन रोल एम्प्लॉयज के लिए तब भी 3 मंथ्स का होता था ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज में। अभी क्या है कि ये सारी पॉलिसीज कंपनी ने ऑलमोस्ट सेम कर दी। आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने अपना नोटिस पीरियड 3 मंथ का कर दिया है। इवन थर्ड पार्टी में भी आपको 3 मंथ्स का अराउंड मिनिमम 2 मंथ्स का तो आपको मिल ही जाएगा। थर्ड पार्टी में तो 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होगा। तो कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज कंपनी की डिफरेंट होती हैं। बाकी आप वहाँ पर देखोगे तो ऑफर लेटर में आपको बहुत सारी सिमिलरिटी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड इसके बाद दोस्तों आप जब भी ऑफर लेटर कहीं से लेते हो, आप किसी भी ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हो तो आप उसमें देखोगे, ऑफर लेटर हो गया या ज्वाइनिंग लेटर हो गया, आप उसमें देखोगे 4 से 5 पेज होते हैं, 5 से 6 पेज होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि अपना ऑफर लेटर जिस कंपनी में आप जा रहे हो, 1 साल 2 साल 5 साल या 15 साल के लिए हो सकता है, तो जिस कंपनी में आप जा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ऑफर लेटर को जरूर रीड आउट करें पूरा प्रॉपर कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। एंड ओवरऑल आप HR से भी वो पूछें जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपको जानना चाहते हो कंपनी के बारे में, तो आप वो HR से भी पूछें। एंड ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर को बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ें ताकि कल आप कंपनी को छोड़ो तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो, या आप जाने के बाद 15 दिन 20 दिन या 25 दिन के बाद अगर आपको वो पॉलिसीज पता चलती हैं उस कंपनी की तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कोई भी ऑफर लेटर अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ज्वाइनिंग लेटर अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसको अच्छे से रीड आउट करें। बाकी अगर हार्डवेयर नेटवर्किंग में आप जॉब देख रहे हो तो नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको 100% सेलेक्शंस वाले 100 आंसर्स मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको 100% जॉब प्लेसमेंट दिलाएंगे। बाकी मेरा बेस्ट रिज्यूमे दिया हुआ, आप चाहो तो वो भी परचेस कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।